हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ये पत्ती वाला डोरमेट। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें 31 फंदे डाले हैं, 31, और ये 30 फंदों में नहीं बनेगा। या तो आप 31 डालें या फिर 41 डालें, यानी कि एक ज़्यादा होना चाहिए। या आप इसे 51 फंदे में बना लें, 61 फंदे में बना लें। और देखिए, इसकी मैंने एक रो निकाल ली है, अब हम दूसरी रो निकालेंगे। इसके हमें 14 फंदे बुनने हैं। पहले 2, 4, 6, 8, 10, देखिए 14 फंदे मुझे इस तरह बुनने हैं। उसके बाद बीच में डिजाइन बनेगी, उसके बाद फिर 14 फंदे इस तरह बुनने। ये देखिए, मैंने 10 फंदे बुन लिए हैं, ये 11, 12 है, 13 और एक ये 14। देखिए मैंने 14 फंदे बुन लिए हैं। और इस तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखिए इस तरफ भी मेरे ये 14 फंदे छूट गए हैं, और ये 3 फंदे बीच में बचे हुए हैं। देखिए धागा पलट के, और इन ये 3 फंदे हैं, एक इसमें ये इस धागे में डाल के सराए, उसके बाद ये तीसरे वाले बीच का एक छोड़ देना है, और ये तीसरे वाले में डाल के इस तरीके से, और बुन लेना है। ये देखिए, देखिए तीसरा 2 फंदे मैंने बुन ली। अब देखिए जो पहला फंदा है उसको हम ऐसे उतार देंगे, और इस फंदे को इस सलाई पर रख के, और इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। निकालने के बाद इस फंदे को इसमें ले लेंगे, और जो लास्ट का फंदा बचा उसको उतार देंगे, उससे ना ही फंदे में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें इसको इसी के ऊपर से उतार देना है, और बाकी के हमें ये पूरी रो फिर से इसी तरीके से, जिस तरह से मैंने ये 14 फंदे बुने हैं उसी तरीके से इधर बुनना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पूरी रो निकाल ली है। अब जो हम दूसरी रो ये बनाएंगे, इसे पूरी इसी तरीके से सिंपल बना लेनी है। पूरी रो सीधी रो में हम डिजाइन बनाएंगे, और उल्टी रो को उल्टा ही बुन देंगे। ये देखिए मेरा जो डिजाइन वाला फंदा है उसको भी हम इसी तरीके से बुन लेंगे। पहले मैंने यहाँ पे 14 फंदे बुने थे, अब ये 13 फंदे बुन लिए। और उसके बाद देखिए ये बीच में डिजाइन है, और अब फिर से हम उसको पहली रो की तरह ये पहला फंदा उठाएंगे इस पे, और ये एक बीच का छोड़ के, ये वाला बीच का छोड़ दिया, और दूसरे पे
ये सिलाई को डार के और देखिए इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। और जो पहला फंदा है उसको हम उतार देंगे ऐसे, और इसको हम इसी इसी सिलाई पर ले लेंगे। और जो दूसरा फंदा था मेरा उसे हम इसके ऊपर से ऐसे निकाल के, और इस फंदे को हम इस पर ले लेंगे, और जो तीसरा फंदा है वो हम छोड़ देंगे यहीं पे। देखिए अब जो बाकी के ये 13 फंदे बचे हैं उन्हें हम इसी तरीके से बुन लेंगे, और उसके आगे वाली जो रो है उसको हम इसी तरीके से बिल्कुल सिंपल। देखिए फ्रेंड्स ये मेरी डिजाइन बनने लगी है, यहाँ से देखिए ये पत्ती की तरह बनेगी ऊपर की तरफ। जैसे ही हम सीधे तरफ इधर रो में आएंगे तो यहाँ से फंदे घटाएंगे, यानी कि हमें ये तीन तीन में से तीन का एक कर लेना है इधर से, और बाकी की उल्टी रो इसी तरीके से बनाएंगे बिल्कुल, और ऐसे ही मेरी ये पत्ती बनेगी। देखिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ से कलर चेंज करेंगे। मैंने ये उल्टी सीधी 10 रो निकाल ली हैं, यानी कि एक ही तरफ से उल्टी उल्टी 10 रो निकाल ली हैं। देखिए ये मेरा इतना बन गया। अब यहाँ से हम जैसे जैसे कि मेरा इसमें ये कलर लगा हुआ है पिंक, इसी तरीके से हम इस वाले में भी पिंक कलर लगाएंगे। देखिए यहाँ से हम कलर चेंज कर लेंगे, और कलर चेंज करने के बाद ये देखिए जब हम कलर चेंज कर लेंगे फिर भी हमें उसी तरीके से इसको बनाना है, ये तीन फंदे का एक फंदा करना है बीच वाला। ये देखिए फ्रेंड्स अब मेरी ये यहाँ से 31 फंदे डाले थे मैंने, यहाँ से ये डिजाइन बनाते हुए मेरे अब ये 5 फंदे बचे हैं। देखिए अब इन 5 फंदों को बुन के उसके बाद हम उतार देंगे। देखिए अभी भी हमें उसी तरीके से डिजाइन बनानी है जिस तरीके से मैंने शुरुआत से बनाई है। ये देखिए अब मेरे 3 फंदे और बचे हैं, अब इन तीनों फंदों को हम उल्टी तरफ से बुन लेंगे। और देखिए अब सीधी तरफ से इसको हम देखिए 3 बचे हैं मेरे, ये तीनों में से उसी तरीके से इसको भी हम बना लेंगे। देखिए और इसको इस पर डाल के फिर इस फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे, और ये वाला बीच का निकल आएगा इसको छोड़ देंगे। देखिए अब मेरा ये लास्ट तक बन चुका है, मैंने ये धागा यहाँ से निकाल लिया, और उसके बाद इसको इसमें डाल के और खींच देंगे। देखिए अब मेरा ये बन गई पत्ती। ऐसे ही आप बड़ी सी पत्ती बना लें उसका डोरमेट बना सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने ये 4 पत्ती बना ली हैं, और अब हम इनको एक दूसरे में इस तरीके से जोड़ के सिल देंगे। देखिए इस तरीके से इसको सिलेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ से ये 2 कली जोड़ ली हैं इस तरीके से उल्टी साइड से। अब देखिए हम यहाँ तक जोड़ लिए, अब इसको हम इसी में मिला के ऐसे इसको भी जोड़ेंगे। देखिए इसी तरीके से अब हम इसे भी जोड़ देंगे, और इसको जोड़ने के बाद यहाँ पे हम इसे भी जोड़ देंगे। देखिए इसको जोड़ने के बाद हम, और ये मेरा डोरमेट बन जाएगा।
ये फ्रेंड्स मेरा ये डोरमेट बनके तैयार हो गया है। और ये चार पत्ती का मैंने डोरमेट बनाया है, एक ये बनी हुई है, ऐसे मैंने चार पत्ती बनाई है। और यहाँ पे ये फोम पॉम लगा दिया, देखिए आप इसे और भी बड़ा बना लो, बहुत ही अच्छी डिजाइन है।